तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि इन सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा कर दिया है। अब 2023 में जो लोग भी यहां पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बी और बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज करता है, अगर उसको सबसे सस्ता रिचार्ज यानी सिम चालू रखने के लिए कराना होगा तो वो कितने का करा सकता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद में आप सभी लोगों को पता लग जाएगा कि 2023 में सबसे सस्ता रिचार्ज कितने का होगा अगर हम अपनी सिम कार्ड को सिर्फ चालू रखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएसएनएल के बारे में। अगर आप लोग बीएसएनएल का सिम यूज करते हो तो आप लोगों को इसमें सबसे सस्ता रिचार्ज कितने का कराना होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने अपने बीएसएनएल के सिम कार्ड में 8 से 10 दिन हो गए हैं, कोई रिचार्ज नहीं किया है, तो आप लोगों को यहाँ पर रिचार्ज करना होगा सबसे सस्ता 107 रूपए का। 107 रूपए में आप लोगों को यहाँ पर 200 मिनट मिलेंगे। आप लोग इनसे कॉल वगैरह लगा सकते हो और आप लोगों को इसमें 3 जीबी का डेटा एक ही बार के लिए मिल जाएगा। इस प्लान में आपको वैलिडिटी 35 दिनों की मिलेगी। और जैसे कि अगर आप लोगों का रिचार्ज आज खत्म हुआ है और आप लोग 2-3 दिन बाद यहाँ पर रिचार्ज कराने के लिए जाते हो, तो आप लोगों को 107 से भी सस्ता रिचार्ज करा सकते हो। वो है दोस्तों सबसे पहला प्लान 49 रूपए का, यानी 49 रूपए का रिचार्ज, जिसमें आप लोगों को 100 मिनट मिलेंगे, कॉल वगैरह आप लोग कर सकते हो। 100 मिनट से आप लोगों को इसमें 1 जीबी का डेटा एक ही बार के लिए मिल जाएगा। इस प्लान में आपको वैलिडिटी 15 दिनों की मिल जाएगी। और एक रिचार्ज प्लान करा सकते हो, अगर आप लोगों का रिचार्ज आज खत्म हुआ है, 2-3 दिन बाद अगर आप कराओगे, तो आप लोग 94 रूपए का भी रिचार्ज करा सकते हो, 94 रूपए का, जिसमें आपको 200 मिनट मिलेंगे कॉल करने के लिए और इसमें 3 जीबी डेटा भी मिल जाएगा एक ही बार के लिए। इस प्लान की आपको वैलिडिटी 30 दिनों की मिल जाएगी। तो ये तो रहा बीएसएनएल का। अब हम बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया बी के बारे में। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया बी का सबसे पहला रिचार्ज प्लान आता है 99 रूपए का, जिसमें आप लोगों को 99 रूपए का ही बैलेंस मिलेगा, जिनसे आप लोग सिर्फ मिस कॉल वगैरह कर सकते हो, मिस कॉल लगा सकते हो। अगर आप लोग कॉल वगैरह लगाते हो और किसी ने आपका फोन रिसीव कर लिया, तो काफी जल्दी आप लोगों का यहाँ पर बैलेंस गायब हो जाएगा, वो पूरा साफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉल रेट आप लोगों को 2.5 पैसा सेकंड की लगती है। इस प्लान में आप लोगों को 200 MB का डेटा भी मिल जाएगा। इस प्लान की आपको वैलिडिटी 28 दिनों की मिल जाएगी। तो अगला यहाँ पर रिचार्ज प्लान आता है 3 महीने वाला वोडाफोन आइडिया बी की तरफ से, जिनको सिर्फ सिम चालू रखना है, वो आता है 279 रूपए का, जिसमें आप लोगों को 279 रूपए का ही बैलेंस मिल जाएगा, जिससे आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हो। कॉल रेट वही 2.5 पैसा सेकंड ही रहेगी। इसमें आप लोगों को 500 MB डेटा भी मिलेगा और इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिनों की मिल जाएगी। तो ये तो रहा वोडाफोन आइडिया बी का। आगे हम दोस्तों बात कर लेते हैं एयरटेल के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एयरटेल ने अपना 99 रूपए वाला इनमें जो सबसे सस्ता सिम चालू रखने के लिए रिचार्ज प्लान आता था, वो बंद कर दिया है सभी सर्कल में। अब अगर आप लोग एयरटेल में सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान कराना चाहोगे, चाहे वो सिम चालू रखने के लिए हो या कोई भी अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए, तो 155 रूपए का आता है। ठीक है, 155 रूपए में आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 1 जीबी का डेटा एक ही बार के लिए मिलेगा, 300 SMS भी आपको मिल जाएंगे और इस प्लान की आपको वैलिडिटी 24 दिनों की मिलेगी। अगर यही प्लान आपके नंबर पर ऑफर में होगा तो वैलिडिटी आप लोगों को 28 दिनों की मिल जाएगी। तो ये सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है एयरटेल में, चाहे आप सिम चालू रखो, फिर चाहे आप लोग अनलिमिटेड कॉलिंग करो। आगे हम दोस्तों बात कर लेते हैं जियो के बारे में। तो जियो में सबसे सस्ता रिचार्ज आता है 119 रूपए का, जिसमें आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और आप लोगों को 1.5 जीबी का डेटा डेली मिलेगा, 300 SMS आपको इसमें इकट्ठे दे दिए जाएंगे और इसमें आप लोगों को जो वैलिडिटी वो यहाँ पर 14 दिनों की मिलेगी। तो मैं बात करूं, अभी तो यहाँ पर 2023 में बीएसएनएल और यहाँ पर एयरटेल ने ही अपने रिचार्ज प्लान को महंगा किया है। तो दोस्तों, 2023 में आप लोगों को इन्हीं रिचार्ज प्लान से अपने सिम कार्ड को चालू रखना होगा। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को कौन सी कंपनी के रिचार्ज प्लान अच्छे और सस्ते लगे। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। बाय बाय।